नमस्कार बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग एक थ्योरम को प्रूफ करेंगे। बेसिकली हमें दो थ्योरम आज प्रूफ करना है आज की क्लास में। एक तो मैंने जो आपको पिछली क्लास में बताया था, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाली, है ना, तो इसको प्रूफ करना है। फिर दूसरी हमारी बर्नौली इनइक्वालिटी है, तो आज इन दो थ्योरम को हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं थ्योरम का, है ना। ये थ्योरम कहें या आप लोग क्वेश्चन कहो, जो भी आप कहना चाहो। तो देखो, ये थ्योरम है आपकी, प्रूफ दैट, लिखो इसको, ये होती है हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है, प्रूफ दैट जो अरिथमेटिक मीन होता है हमारा, अरिथमेटिक मीन ये क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन। ये हमको प्रूफ करना है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है फॉर टू नंबर्स, और यहां पर लिख लो टू नंबर्स। हम लोग दो नंबर के लिए प्रूफ कर रहे हैं, फिर एक जनरल हम लोग इसका फॉर्म बना करके निकालेंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। ये हमने पिछली क्लास में ही मैंने आपको थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। चलिए हम लोग देख लेते हैं, दो नंबर के लिए प्रूफ करना है, तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं प्रूफ, लेट, यहां पर लेट करो, ए एंड बी आर टू नंबर्स, ठीक है। ये ए और बी हमारे क्या हैं, दो नंबर हैं। तो यदि दो नंबर ए और बी हैं, तो यदि हम अरिथमेटिक मीन निकालें तो क्या होगा, अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य, तो सबको पता है क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है दो नंबरों का, उनको जोड़ो और बटे क्या करो, दो करो। इसी तरीके से यदि हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालें, ज्योमेट्रिक मीन निकालें, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है ना। ये तो सभी लोग को बात पता ही होगी कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है। अब देखो, यदि हम लोग यहाँ पर क्या करें, इस थ्योरम को प्रूफ करना है, तो अरिथमेटिक मीन माइनस हम लोग क्या कर दें, ज्योमेट्रिक मीन कर दें, तो ये हमको क्या मिलेगा, अरिथमेटिक मीन हमको मिला है ए प्लस बी बाई टू, और माइनस ज्योमेट्रिक मीन मिला है हमको अंडर रूट ए बी। यदि हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, अभी हमको नहीं पता कि ये छोटा है कि बड़ा है, यही चीज हम लोग देख रहे हैं, है ना, पॉजिटिव की निगेटिव, ये सारी चीज अभी हम लोग यही चीज यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ए प्लस बी यदि हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे टू, तो ए प्लस बी तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का टू अंडर रूट ए बी, ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए, इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल हाफ स्क्वायर, और बटे क्या है, दो, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा सभी लोग कहेंगे कि हाँ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो, हमने अभी पिछली क्लास में या दो तीन क्लास पहले जो भी है, हमने एक थ्योरम प्रूफ की थी, यदि कोई नंबर आप ले रहे हो रियल नंबर से, उसका स्क्वायर करते हो, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो ये हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, रियल नंबर की ही बात कर रहे हैं। दो नंबर हमने लिया है, और इसका स्क्वायर यानी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का यदि स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और टू तो क्या है, पॉजिटिव नंबर ही है टू, है ना। तो यहां से इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ही पॉजिटिव होगी। यानी कि अरिथमेटिक मीन और माइनस ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इसकी वैल्यू ये आई, और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि ये दो नंबर क्या है, यदि मान लो जीरो हो गए, दोनों ही नंबर हमने जीरो ले लिया है, तो फिर ये इक्वल टू भी जीरो आ जाएगा, है ना। तो ये भी केस हम लोग को लेकर के चलना है। तो ये हमने निकाला कि अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, हमेशा ही ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये थ्योरम है और इसका ये प्रूफ है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग क्या करिए, कॉपी कर लीजिए, है ना, बिल्कुल मतलब सरल था, कोई ऐसा इस पर ऐसा नहीं था कि ना समझ में आया हो, है ना। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसकी एक कोरोलरी है, तो उसका स्टेटमेंट भी मैं आपको करवा देता हूँ। देखो कोरोलरी क्या है, कोरोलरी क्या है, ये कोरोलरी कह रही है कि इसी से बनाई गई है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। ये हमने दो नंबरों के लिए निकाला है। यदि हमारे पास n नंबर होंगे तो क्या लिखेंगे, तो बस यही है कि यदि ए नंबर होंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री, इस तरीके से सो ऑन कहां तक, ए एन, और इसकी पावर क्या लगेगी, वन बाई एन लगेगी,
ठीक है, ये जियोमेट्रिक मीन हो गया। तो जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, दिख रहा है ए वन, चलो नहीं दिख रहा है तो क्या करें, यहाँ पर हम लोग लिखे देते हैं, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर यहाँ पर लिखता हूँ। इसको तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा, है ना, ये कोरोलरी को यहाँ पर जगह है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो ये कोरोलरी है, एन नंबरों के लिए क्या हो जाएगा, एन नंबरों के लिए हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे तो ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री सो वन ए एन, है ना, इसकी होल पावर कितनी लग जाएगी, वन बाई एन लग जाएगी, और ये हमेशा लेस देन आर इक्वल टू होगा किससे, अरिथमेटिक मीन से। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ये होगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस सो वन और ये कहाँ तक, प्लस ए एन, और बटे में कितना, एन, ठीक है। ये कोरोलरी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये एन नंबरों के लिए हम लोग इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दो नंबरों के लिए हमने इसको प्रूफ कर दिया है कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन हो, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, इसी तरीके से कोरोलरी इसकी ये बताती है। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद बर्नौली इनइक्वालिटी बताता हूँ। तो आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, है ना, इसको अब हटाते हैं यहाँ से और बर्नौली इनइक्वालिटी को भी हम लोग प्रूफ करना यहाँ पर सीखते हैं। देखो हम लोग बात कर रहे हैं बर्नौली इनइक्वालिटी की, यहाँ पर लिखो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बर्नौली इनइक्वालिटी, तो देखो बर्नौली इनइक्वालिटी क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना, ठीक है, पूछ लिया जाता है इसका प्रूफ। देखो बर्नौली इनइक्वालिटी का पहले स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है और प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों ही तैयार रखना। तो बर्नौली इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट होता है, या ऐसे आता है आपका क्वेश्चन एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूफ बर्नौली इनइक्वालिटी, है ना, तो जो भी नाम वाली थ्योरम होगी उनको जरूर तैयार करके रख लेना है। तो ये देखो इसका जो स्टेटमेंट होता है, ये होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, देन हम लोग इसको लिखते हैं, देन वन प्लस एक्स टू द पावर एन, वन प्लस एक्स टू द पावर एन, ये क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है वन प्लस एन एक्स से, और यहाँ पर लिखोगे फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल, ठीक है, ये होता है। तो देखो ये स्टेटमेंट है, इतना सा स्टेटमेंट यदि आप तैयार कर लोगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आसानी से लिख सकते हो। ये एक्स क्या है, ग्रेटर देन माइनस वन है, क्यों, क्योंकि यदि यहाँ पर माइनस वन इक्वल रख दोगे तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ अंदर माइनस आ जाएगा, है ना, तो वो काम हमको नहीं करना, या माइनस रख दोगे तो फिर जीरो हो जाएगा। तो इसी वजह से कहा गया है कि एक्स क्या लेना है, हमेशा माइनस वन से ग्रेटर देन लेना है, माइनस वन भी नहीं लेना है, ठीक है, हमेशा ग्रेटर माइनस वन लेना है। तो ये इनइक्वालिटी हमारी हमेशा ही क्या होती है, ट्रू होती है। इनइक्वालिटी की बात हमने कर ली है पहले, है ना, मैंने आपको एक क्लास बता दी थी ग्रेजुएशन की जो चीजें हैं, फिर इसके बाद मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड कर दी थी, जिनको इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी जिनको नहीं समझ में आई है या नहीं पढ़ा है जिन्होंने, तो उनके लिए मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड कर लिए हैं, ताकि वहां से आप लोग सीख सकें कि इनइक्वालिटी किस तरीके से काम करते हैं, वहां पर कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये इनइक्वालिटी आप, आई होप अब आपको समझ में आ रही होगी। अब इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये इनइक्वालिटी इस तरीके से होती है, है ना। तो देखो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हो, वी विल प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग प्रूफ करेंगे। क्लास 11 12th में आपने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा है, उस पर क्या होता है, हम लोग पहले n इजकल टू 1 के लिए प्रूफ देखते हैं, फिर n इजकल टू k के लिए, फिर n इजकल टू k प्लस 1 के लिए हम लोग इसको देखते हैं, और यदि ये तीनों स्टेप हमारे कामयाब हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है ना, कोई भी स्टेटमेंट हो। तो यदि इस तरीके से हम लोग इसको तीन स्टेप में प्रूफ करते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, फॉर n इजकल टू 1 के लिए देखेंगे। देखो फॉर n इजकल टू 1, जब n इजकल टू 1 के लिए देखेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर यदि हम देख रहे हैं, ठीक है, तो 1 प्लस x, ये हो जाएगा 1 प्लस x, और n की जगह क्या रखना है 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस x ही,
और यदि हम लोग राइट हैंड साइड पर देखें, राइट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर रखना है, तो राइट हैंड साइड क्या रखेंगे, वन प्लस एन की जगह क्या रखते हैं, वन, तो वन इंटू एक्स, यानी किया जाएगा वन प्लस एक्स, है ना। यहाँ पर देखो इक्वलिटी का साइन लगा है, इक्वल है, ये देखो हमारा क्या आ गया, वन प्लस एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गए, इक्वल आ गए, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सेटिस्फाइड है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो वन के लिए क्या है, ये वन के लिए ये थ्योरम हमारी सेटिस्फाइड है, वन के लिए क्या है, ये थ्योरम सेटिस्फाइड है। तो यदि वन के लिए सेटिस्फाइड होती है तो हम क्या कहते हैं, के लिए ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ऐसा मान लेते हैं, है ना, ट्रू है। यहां पर लिख सकते हो, लेट इट बी ट्रू फॉर एन इजकल टू के, है ना। हम ये मान लेते हैं कि यदि वन के लिए टू है इसे ट्रू है, इसी तरीके से टू के लिए, थ्री के लिए, के लिए भी ये ट्रू होगी। यदि के लिए ट्रू है तो एन की जगह क्या रख देंगे, के रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा वन प्लस एक्स टू दी पावर कितना, के ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन प्लस के एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि के प्लस वन के लिए, है ना, अब हमें के प्लस वन के लिए प्रूफ करना है। यानी के प्लस वन के लिए कैसे प्रूफ करेंगे, कि यहां पर एन की जगह के प्लस वन आए और यहां पर भी के प्लस वन आ जाए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग ये करेंगे कि सिंस माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो, या ये यहां तक तो बात समझ में आ गई ना। अब देखो यहां पर हमको ये चीज तो गिवन ही है, ये तो हमेशा ट्रू होगा ही, ये तो होना ही होना है कंडीशन बर्नौली इनइक्वालिटी, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यदि एक्स क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन क्या है, माइनस वन है, एक्स क्या है, ग्रेटर देन यदि माइनस वन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना। एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, यदि वन दोनों साइड ऐड कर दो तो इधर जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वन पॉजिटिव हो जाएगा। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो यानी कि एक्स प्लस वन पॉजिटिव हो जाएगा। यदि किसी भी पॉजिटिव नंबर का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी। यहां पर देखो मैं इसके आगे बता रहा हूं, इसको देखिएगा, ये कहां तक आपको दिख रहा है, यहां तक, हाँ ठीक है। तो देखो यदि हम इस पर क्या करें, x प्लस वन से यानी पॉजिटिव, x प्लस वन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारा वन प्लस एक्स और इंटू वन प्लस एक्स की पावर कितना, k, ठीक है, ये k है, इस पर वन प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। ये इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी यही रहे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, फिर यहां पर वन प्लस के एक्स है तो यहां पर भी हो जाएगा वन प्लस के एक्स और इधर पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वन प्लस एक्स से, दोनों साइड हमने वन प्लस एक्स से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको यदि हम मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स टू दी पावर कितना, के प्लस वन, ये हो जाएगा। यहां पर इनइक्वालिटी यही रहेगी, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स प्लस यहां पर आ जाएगा के एक्स और यहां पर हो जाएगा प्लस का के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हम इसी तरीके से, इनइक्वालिटी कोई चेंज नहीं है, उसी तरीके से इसके पहले ये चीज है, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस और इससे एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा के प्लस वन और एक्स, के प्लस वन एक्स और प्लस क्या है के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ करना है, वन प्लस के एक्स, यानी कि के की जगह हमें क्या लाना था, के प्लस वन लाना था, तो ये आ गया। लेकिन ये वाली टर्म हमारी क्या है, एक्स्ट्रा है, है ना, के एक्स स्क्वायर। तो के एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, है ना, के एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, क्यों, क्योंकि के हमने क्या लिया है, के तो एक नेचुरल नंबर है ना, के क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो ये के पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर क्या है, किसी भी नंबर के भी स्क्वायर कर, वैसे भी ये तो एक्स स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है, है ना, तो के स्क्वायर क्या हो गया, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो यदि हम इसको यहां से हटा दें, गायब कर दें के एक्स स्क्वायर को, तो यहां पर कोई चेंज, यहां पर एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स को हमको लेना था ग्रेटर देन माइनस वन, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर यदि हम इसको गायब कर दें के एक्स स्क्वायर को,
तो कोई चेंज आएगा इनइक्वालिटी पर, क्योंकि भाई ये वाली चीज तो पहले से ही छोटी है ना, ये वाली चीज क्या है, पहले से ही छोटी है, लेस देन है, तो ये पॉजिटिव नंबर को और हटा दो तो छोटी ही रहेगी, है ना, कोई चेंज नहीं होगा, वैसे भी छोटी ही रहेगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर के प्लस 1, और ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इधर वाली चीज हमेशा छोटी ही रहेगी, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स, है ना। तो ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव कर दिया कि 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 जो तीसरा स्टेप था वो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स, यानी कि k की जगह हमने क्या ले आए, k प्लस 1 ले आए, है ना। यानी कि हमने क्या कर दिया, पहले 1 के लिए प्रूफ किया इसको, फिर इसके लिए इसके बाद k की जगह लिए प्रूफ किया, तो n इक्वल टू k के लिए जब प्रूफ किया तो n की जगह k आ गया और 1 प्लस के एक्स आ गया यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ट्रू रहता है k के लिए। फिर k प्लस 1 के लिए हमें प्रूफ करना होता है, तो ये देखिए एन की जगह के प्लस 1 आ गया, यहाँ पर भी एन की जगह के प्लस 1, ठीक है। तो ये बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूफ कर दिया है कि बर्नौली इनइक्वालिटी जो स्टेटमेंट हमने ये लिखा था ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यदि लिखना चाहें तो हेंस द रिलेशन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 आल्सो, है ना। यहाँ पर इसी के आगे यहाँ पर भी लिखना चाहो, हेंस द रिलेशन इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू के प्लस 1 आल्सो, के प्लस 1 के लिए भी ये रिलेशन हमारा क्या है, ट्रू है। और जब k के लिए भी ट्रू है तो हम ये कह सकते हैं कि बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये जो इनइक्वालिटी है ये फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए या ग्रेट नेचुरल नंबर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी क्या है, ट्रू है। यहाँ पर लिख सकते हो हमने क्या प्रूफ किया, सो बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज, दिखता है, इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी हमारी क्या है, हमेशा ही ट्रू होगी, ये बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने प्रूफ किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं सामने से हट जाता हूं, इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपने इसको कॉपी भी कर लिया होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इन दो थ्योरम को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग सीखिए, तैयार करिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, थैंक यू।